झगड़ा हुआ था उसने पूछा हालांकि यह एक प्रश्न था उसका उत्तर उसके पास पहले से ही था हालांकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि काव्या मार्शल आर्ट इतनी अच्छी थी वह केवल 18 वर्ष की थी जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा हाँ काव्या ने सिर हिलाया उसने लड़ाई देखी होगी वाह उत्कृष्ट लोग हमेशा एक साथ इकट्ठा होते हैं जू जिनलिन ने कहा वह लिंग शूटिंग के बारे में बात कर रहे थे मिस काव्या कृपया इन दिनों सतर्क रहें और सावधान रहें आखिरकार वे गिरोह के सदस्य हैं गोम जहान ने दयालुता से कहा उसने कभी भी दूसरों के निजी मामलों में शामिल होने की जहमत नहीं उठाई लेकिन वह काव्या को सतर्क रहने की याद दिलाने को तैयार था क्योंकि वह और जू जिनलिन परिचित थे धन्यवाद मैं करूंगी काव्या ने कहा लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी और काव्या ने गोम जेहान के साथ जू जिनलिन को अलविदा कहा अरे तुम दोनों के बीच क्या हुआ काव्या के चले जाने के बाद गोम जेहान ने जू जिनलिन से पूछा जू जिनलिन ने आह भरी फिर उसे सब कुछ बताया गोम जेहान बाद में जोर से हंसा गंभीरता से यह बहुत ही हास्यास्पद है लिंग शूटिंग कौन है ऐसा लगता है कि आप उससे बहुत डरते हैं गोम जेहान ने फिर से पूछा वह राजधानी में लेंग परिवार का सबसे बड़ा पोता है और जिनचेंग का वरिष्ठ है और वह महिलाओं से हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं अगर उसे पता चला कि मैंने उसकी प्रेमिका के साथ बातचीत शुरू कर दी है तो वह जिनचेन को मेरे साथ युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए कहेगा मुझे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया जाएगा जू जिन ने डर के मारे कहा लेंग परिवार का सबसे बड़ा पोता बोंग जेहन को बहुत आश्चर्य हुआ वह जानता था कि लेंग परिवार और जू परिवार पीढ़ियों से सहयोगी थे और उसने लेंग परिवार के ठंडे सबसे बड़े पोते के बारे में सुना था और सबसे प्रशंसनीय बात यह थी कि लेंग शाउटिंग इतनी कम उम्र में ही मेजर जनरल पहले कभी नहीं हुआ था गोंगज जेहान को लेंग शाउटिंग के बारे में बस इतना ही पता था जब काव्या और उसके अंगरक्षक बुक किए गए निजी कमरे में चले गए तो उसे लेंग शाउटिंग का फोन आया वह अभी राजधानी के हवाई अड्डे पर थे और रात करीब साढ़े दस बजे हांगकांग पहुंचेंगे काव्या उसे बाद में ले जाएगी जब तक सारे बर्तन मेज़ पर नहीं रखे गए तब तक उसे याद नहीं आया कि उसने छोटे से द्वीप पर जाने की योजना बनाई थी हालांकि चूंकि वह भूल गई थी इसलिए उसने इसे छोड़ दिया हे परिवार के घर में जो जियाकुई ने उस दोपहर हे परिवार के घर में भोजन किया हालांकि केवल हे सीन और हे होंगजी को ही पता था कि काव्या उनकी मदद करने जा रही थी जैसे ही जो जियाकुई रात के खाने के बाद चला गया हे होंगजी ने हे सीन से कहा कि वह उसके अध्ययन कक्ष में बात करने के लिए आए आप ठीक कह रहे हैं जियांगकुई हांग यूफे के साथ एक गुप्त संबंध बनाए रखता है और वह हे होंगवान से निजी तौर पर मिल भी चुका है हे हैंगजी ने ठंडे स्वर में कहा यह सुनकर हे सीएन नाराज हो गई लेकिन उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ पिताजी आप उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन वह अभी भी हमारे पारिवारिक व्यवसाय को चुराना चाहता है उसने गुस्से में कहा शायद वह सोचता है कि मैं इस बार बर्बाद हो गया हूँ इसलिए वह दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहता है एक बार मुझे यह साबित करने के लिए ठोस सबूत मिल जाए कि उसकी मेरे प्रति कोई वफादारी नहीं है तो मैं उसे भगा दूंगा हे होंगजी ने कहा और जिसने भी उसे धोखा देने की हिम्मत की उससे छुटकारा पाने का मन बना लिया होंग यूफे पूरे दिन अस्पताल में रहे और उन्हें बिस्तर से उठने और चलने में मदद करने के लिए ही यिक्सी उनके साथ थे उसके पूरे शरीर में दर्द के कारण वह कुछ नहीं कर सका और आसानी से अपना आपा खो बैठा उन्होंने यिक्सी को व्यथित और अप्रसन्न महसूस किया लेकिन उसे इसे सहन करना पड़ा एक बार जब हांग यूफे चलने में सक्षम हो गया तो उसने अस्पताल छोड़ दिया और घर वापस चला गया अस्पताल में रहना उनके लिए एक यातना थी हांग यूफे तीव्र यौन इच्छा से ग्रस्त थी अगर वह एक दिन भी सेक्स नहीं करता था तो उसे बहुत असजता महसूस होती थी इसलिए उसने हे यिक्सी को मजबूर किया कि वह घर आते ही अपने हाथों और मुंह से उसकी मदद करे होंग यूफे को खुश करने में उसे लगभग एक घंटा लग गया थोड़ी देर बाद हे यिक्सी के पिता ने उसे घर आने के लिए बुलाया क्योंकि कल जुआ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और उसे उसके साथ कुछ चर्चा करनी थी जब हे यिक्सी अनुपस्थित थी तो हांग यूफे ने अपनी एक मालकिन को बुलाया वह एक महिला के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था रात करीब नौ बजकर पचास मिनट बजे काव्या एयरपोर्ट के लिए निकली और वह अकेले ही वहां पहुंची जाने से पहले उसने गांव यी और या से कहा कि वह आज रात वापस नहीं आएगी बीस मिनट बाद काव्या पहुंची लेंग शाउटिंग दर्जनों मिनट में पहुंच जाएगी काव्या को आगमन हॉल में एक सीट मिली और उसने समाचार पढ़ते हुए अपना फोन चलाया उसका नाम अभी भी सबसे चर्चित विषयों की सूची में था लेकिन धीरे धीरे नीचे चला गया मशहूर हस्तियों के व्यवहार और निजी जीवन के बारे में बहुत सारी गपशप ने उनके नाम की जगह ले ली मशहूर हस्तियों को ध्यान की आवश्यकता होती है और वे अक्सर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में मदद के लिए एक इंटरनेट वॉटर आमी पर रखते हैं वास्तविक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की लगातार खोजों से केवल कुछ समाचारों को सूची में रखा गया जैसे काव्या पर समाचार काव्या ने कुछ देर तक समाचार पढ़ा फिर उसने किसी चीज़ के बारे में उत्साहित चर्चा सुनी मैं इसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकता आखिरकार मुझे दस मिनट में मेरी पसंदीदा कॉजी मिल जाएगी मैं भी नहीं कर सकता मैंने सोचा था कि यह बिना अधिक प्रसिद्धि वाला ब्रांड है और विश्वसनीय नहीं है लेकिन यह इतना प्रभावी साबित हुआ मैंने अभी अभी इसके कई फेशियल मास्क का उपयोग किया है और मेरी त्वचा अब काफी बेहतर है फेक और धन्यवाद हमें राजधानी के लिए उड़ान भरने की जरूरत नहीं है ठीक है अगर फी हमारे लिए कुछ नहीं लाती तो मैं खुद ही राजधानी के लिए उड़ान भरता मुझे उम्मीद है कि कौजी को जल्द ही हांगकांग के बाजार में लाया जा सकता है ताकि हम इसे यहां खरीद सकें मेरा भी यही विचार है काव्या को यह सुनकर खुशी हुई कि लोगों को उसके उत्पाद पसंद आए और देरसबेर कौजी हांगकांग के बाजार में उपलब्ध होगी दरअसल वह कौजी को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने जा रही थी कौजी को पहले से ही कई त्वचा देखभाल उत्पादों की दुकानों और शॉपिंग मॉल की अलमारियों पर रखा गया था शुरुआत में ग्राहकों को संदेह हुआ लेकिन जल्द ही उन्हें इससे प्यार हो गया काव्या ने सोशल मीडिया जारी रखी और पाया कि त्वचा देखभाल उत्पादों के बारे में सबसे लोकप्रिय विषयों की सूची में कौजी पांचवें स्थान पर थी उसने इसे क्लिक किया और कौजी के बारे में पोस्ट और टिप्पणियां पढ़ना शुरू कर दिया हालांकि कौजी अभी भी एक नया ब्रांड था लेकिन इसके निन्यानवे परसेंट ग्राहकों ने इसे स्वीकार कर लिया इसके अलावा इसके ग्राहक इसके प्रति बहुत वफ़ादार थे एक विमान में रेडियो से प्रसारित किया जा रहा था कि फ़्लाइट एक मिनट में लैंड करने वाली है और लिंग शाउटिंग काव्या को देखने के लिए एक सेकंड भी इंतज़ार नहीं कर सकते थे उन्होंने कुछ दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा था लेकिन वह उसे बहुत याद करते थे यदि यह संभव होता तो वह काव्या के साथ चौबीसों घंटे रहता लेकिन वह जानता था कि ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि उन्हें अपना खुद का व्यवसाय निपटाना था लेंग शाउटिंग प्रथम श्रेणी में गलियारे वाली सीट पर बैठे थे और उनके जैसी ही पंक्ति में दूसरी गलियारे वाली सीट पर बेसबॉल टोपी और धूप का चश्मा पहने एक महिला बैठी थी महिला की नजरें लेंग शाउटिंग पर टिकी थी लेंग शाउटिंग इसे महसूस कर सकती थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि महिला दयालु लग रही थी भले ही उसने बड़े धूप का चश्मा पहना हुआ था और कोई भी उसकी आंखें या उसका चेहरा नहीं देख सकता था यह नोटिस करना मुश्किल नहीं था कि वह एक सुंदर महिला थी धूप के चश्मे के साथ एक बेसबॉल टोपी एक स्टार का मूल सामान था महिला वाकई एक स्टार थी वह हर समय लेंग शाउटिंग को घूरती रहती थी क्योंकि वह बहुत आकर्षक था और वह उससे अपनी आंखें नहीं हटा पाती थी इसके अलावा वह पहली कक्षा में भी बैठे और डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहने जाहिर था कि वह बहुत अमीर था कोई भी अकेली महिला एक खूबसूरत अमीर युवक की ओर आकर्षित नहीं होगी महिला स्टार लेंग शाउटिंग की प्रशंसा करती थी लेकिन अपनी पहचान और अपने एजेंट की चेतावनी के कारण वह उसके साथ बातचीत नहीं कर सकी उसकी एजेंट एक महिला थी जो लगभग तीस वर्ष की थी और उसके ठीक बगल में बैठी थी वह भी एक महिला थी इसलिए वह समझ गई कि महिला सितारा सुंदर युवक के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती यहां तक कि वह जो एक विवाहित महिला थी भी मदद नहीं कर सकी लेकिन लिंग शाउटिंग पर नजर डाली हालांकि महिला स्टार को अपनी छवि और प्रतिष्ठा की खातिर अन्य लोगों से दूरी बनाकर रखनी पड़ी अगर पापराजी ने उसे पकड़ लिया और उसके निजी जीवन के बारे में कुछ गपशप की तो इससे उसके करियर को नुकसान होगा यदि किसी सितारे को प्रसिद्धि और पैसा चाहिए तो उसे अपनी स्वतंत्रता से भुगतान करना होगा एक बार जब उनकी प्रतिष्ठा खराब हो गई तो उनका करियर बर्बाद हो गया यह देखकर कि विमान उतरने ही वाला था महिला सितारा पूरी तरह से निराश हो गई एक मिनट बाद विमान एचके के हवाई अड्डे पर उतरा और लेंग शाउटिंग ने विमान से उतरते ही काव्या को फोन किया उनके पास कोई सामान नहीं था इसलिए वह सीधे बाहर चले गए जबकि महिला स्टार को अपना सूटकेस लेना था अत उनकी पहली संक्षिप्त मुलाकात समाप्त हो गई आगमन कक्ष में प्रशंसकों का एक समूह अपने आदर्श का इंतजार कर रहा था जैसे ही लेंग शाउटिंग आए वे आश्चर्य से चिल्लाए वाह वह वा बहुत सुंदर है क्या वह एक सितारा है या कुछ और पता नहीं लेकिन मैं अब उनका प्रशंसक हूँ मुझे नहीं लगता कि वह एक सितारा हो सकता है बल्कि एक अमीर उत्तराधिकारी की तरह हो सकता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कौन है वह मेरा प्रकार है काव्या को अपने लोकप्रिय प्रेमी पर गर्व महसूस हुआ और उसे बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं हुई उसे केवल तब ईर्ष्या महसूस होती थी जब अन्य महिलाएं उसे उससे छीनने की कोशिश करती थी कुछ प्रशंसक तुरंत लेंग शाउटिंग की ओर दौड़े और वे उनके साथ तस्वीरें लेना चाहते थे लेकिन जब वे पास आए तो उन्होंने उन पर ठंडी नज़र डाली वे लड़कियां डर गईं और बिना देर किए रुक गईं। इस समय काव्या उसके पास चली गई और लेंग शाउटिंग ने हल्की मुस्कान दी फिर उसका हाथ पकड़कर चला गया हालांकि उन लड़कियों को उसकी ठंडी नजर से डर लग रहा था लेकिन वे बिल्कुल भी पागल नहीं थी इसके बजाय उन्होंने सोचा कि वह पहले से कहीं अधिक आकर्षक था खासकर जब उसने काव्या को देखा और उसकी आंखें एक पल में नम हो गई तो वे लड़कियां इस दृश्य से आश्चर्यचकित हो गई सिर्फ वे ही नहीं बल्कि हॉल में मौजूद अन्य लोग भी इस प्रेमी जोड़े को देखकर आकर्षित हुए उन्हें युगल होना चाहिए मुझे उस लड़की से बहुत ईर्ष्या हो रही है काश मेरा भी उसके जैसा कोई बॉयफ्रेंड होता मुझे लगता है कि वह उस तरह का पुरुष है जिसे हर महिला चाहती है मैं सहमत हूं काव्या और लेंग शूटिंग बाद में पार्किंग स्थल पर गए काव्या ने मजाक में कहा आप वाकई लोकप्रिय हैं मुझे मास्क पहनना चाहिए लेंग शाउटिंग को लोकप्रिय होना पसंद नहीं था हाहा काव्या थोड़ा हंसी यह ठीक है भले ही आप उनकी नजरों में आ जाए फिर भी वे आपको नहीं पा सकते यदि आप मुखौटा लगाते हैं तो वे शायद सोचेंगे कि आप एक स्टार हैं और आप अधिक ध्यान देने योग्य होंगे लेंग शाउटिंग की उत्कृष्ट उपस्थिति को देखते हुए लोग केवल उन पर अधिक ध्यान देंगे यदि उन्होंने उन सितारों की तरह बेसबॉल टोपी धूप का चश्मा या मुखौटा पहना हो सही है तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं पा सकता लेंग शाउटिंग ने भारी आवाज में कहा और काव्या को एक चुलबुली मुस्कान दी काव्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई फिर शर्मा गई इसे रोक क्यों लेंग शूटिंग ने तर्क दिया क्या यह सच नहीं है काव्या ने उसकी ओर आंखें घुमाई लेंग शूटिंग अब और अधिक चुलबुली होती जा रही थी उन्हें अपनी कार मिल गई और लेंग शाउटिंग ने काव्या के लिए सामने वाली यात्री की सीट का दरवाजा खोला जब तक काव्या ठीक से बैठ नहीं गई तब तक वह उसने नहीं चना क्या आपने खाना खा लिया काव्या ने पूछा अभी नहीं लेंग शाउटिंग ने उत्तर दिया वह जल्दी में था इसलिए वह सैन्य अड्डे से सीधे हवाई अड्डे चला गया और रास्ते में कुछ भी नहीं खाया हम रात्रि स्नैक स्ट्रीट पर क्यों नहीं जाते अब बहुत देर हो चुकी है और हमें वहां केवल स्वादिष्ट भोजन ही मिल सकता है काव्या ने कहा जरूर जब खाने की बात आती थी तो लेंग शाउटिंग नखरेबाज नहीं थे हांगकांग कोई बड़ा शहर नहीं था इसलिए वे जल्द ही नाइट स्नैक स्ट्रीट पर पहुंच गए यह गतिविधि से भरा और भीड़भाड़ वाला था अंदर जाने से पहले काव्या और लेंग शूटिंग ने कार पार्क की क्योंकि वहां भीड़ थी हर तरह के लोग वहां रात्रि नाश्ते का आनंद ले रहे थे रास्ते में कई पुरुषों ने जिन्होंने थोड़ी सी शराब पी रखी थी काव्या पर सीटी बजाई उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की लेकिन उनमें से अधिकांश को लेंग शाउटिंग की ठंडी नज़र ने रोक दिया हालांकि कुछ लोगों ने फिर भी उसे नज़रअंदाज़ किया एक युवक जिसने खुद को झान परिवार का तीसरा बेटा होने का दावा किया था उसने काव्या पर व्यंग्य किया और जोर जोर से दूसरों से कहा कि अगर वह उसकी यौन जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है तो वह उसे एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकता है इस बार न केवल काव्या को अपमानित महसूस हुआ बल्कि लेंग शूटिंग भी गुस्से में थी कोई भी पुरुष यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी प्रिय लड़की का सार्वजनिक स्थान पर किसी अन्य पुरुष द्वारा यौन अपमान किया गया हो इसलिए जैसे ही युवक ने अपना वाक्य पूरा किया लेंग शाउटिंग ने उसके पेट पर बहुत जोर से लात मारी युवक को लात मारी गई और वह जमीन पर तब तक नहीं गिरा जब तक उसका शरीर हवा में तीन मीटर दूर तक नहीं उड़ गया उसी समय दर्द की उसकी तेज चीख ने सड़क पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया जोरदार लात के बाद युवक मुश्किल से हिल सका लेंग शाउटिंग की ताकत देखकर सभी दर्शक आश्चर्यचकित रह गए उन्होंने इससे पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो किसी वयस्क को तीन मीटर दूर तक लात मार सके बाद में वे सभी आश्चर्यचकित थे कि लेंग शाउटिंग ने उस युवक को चोट पहुंचाने की हिम्मत की जो जान परिवार का तीसरा बेटा था झहान परिवार आखिरकार हांगकांग का एक प्रभावशाली परिवार था फिर भी झहान परिवार का तीसरा बेटा अपनी तीव्र यौन इच्छा और महिलाओं के प्रति अनादर के लिए कुख्यात था ऐसे में किसी ने भी उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई इसके बजाय वे सभी एक तरफ खड़े होकर दृश्य देख रहे थे भगवान जान लॉर्ड जान के साथ यहां आए दो लोग डरे हुए थे यदि लॉर्ड जान के साथ कुछ भी बुरा होता तो जान परिवार बिना किसी संदेह के हर चीज के लिए उन्हें दोषी ठहराता आखिरकार उनके परिवार झहान परिवार जितने प्रभावशाली नहीं थे लॉर्ड जान को अभी भी बहुत दर्द में जमीन पर पड़ा देखकर दो लोगों में से एक ने लेंग शाउटिंग की ओर देखा और उसे धमकी दी तुमने लॉर्ड जान को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की जहान परिवार आपको इससे दूर नहीं जाने देगा लेंग शाउटिंग ने उस पर ठंडी नजर डाली जिससे वह डर गया यह सोचकर कि लॉर्ड जैन पर क्या बीत रही थी उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की कहीं उसे भी लात न मार दी गई हो लेंग शाउटिंग ने ठंडे स्वर में कहा यदि आप मेरी लड़की को अपमानित करने का साहस करते हैं तो आपको यही मिलता है उसे झान परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी उसके बाद उसने काव्या का हाथ पकड़ा और जाने ही वाला था हालांकि दोनों व्यक्ति चिंतित थे यदि लेंग शाउटिंग चला गया तो झान परिवार उन्हें दंडित करेगा हालांकि वे जानते थे कि लेंग शाउटिंग ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वे खिलवाड़ कर सकते हैं उन्हें अब उसे रोकना होगा आप नहीं जा सकते लेंग शाउटिंग ने उन पर तिरछी नजर डाली क्या आप उसके जैसा ही इलाज चाहते हैं दोनों आदमी डर से कांपने लगे वे स्पष्ट रूप से लॉर्ड जान के समान व्यवहार नहीं करना चाहते थे लेकिन लॉर्ड जान के साथ जो हुआ उसके परिणाम को सहन करने के लिए वे अधिक अनिच्छुक थे आपने अभी अभी लॉर्ड जान को लात मारी है इसलिए आप नहीं जा सकते हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और पुलिस इसे संभाल लेगी एक आदमी ने साहस जुटाया और कहा उसकी आवाज़ अब भी कांप रही थी मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम भी उसकी तरह जमीन पर पड़े रहोगे लेंग शाउटिंग ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए दोनों आदमी डर गए और तुरंत दूर चले गए उनमें लेंग शाउटिंग को दोबारा रोकने की हिम्मत नहीं हुई इसलिए लेंग शाउटिंग और काव्या चले गए लॉर्ड जैन बिल्कुल भी हिलने डुलने में सक्षम नहीं था लेकिन वह उनकी बातें सुन सकता था लेंग शाउटिंग को जाते देख वह गुस्से से आग बबूला हो गया और अगले ही पल बेहोश होकर गिर पड़ा वे दोनों लोग अब बहुत घबरा गए और बिना देर किए उसे अस्पताल भेज दिया इस बीच उन्होंने लॉर्ड जैन के दूसरे सबसे बड़े भाई को भी बुलाया लॉर्ड जैन का दूसरा सबसे बड़ा भाई एक हिंसक और क्रूर व्यक्ति था एक बार जब उसने चौंकाने वाली खबर सुनी तो वह यह पता लगाने के लिए तुरंत निगरानी कैमरों की जांच करने गया कि उसके छोटे भाई को किसने लात मारी थी जल्द ही लॉर्ड जान के दूसरे सबसे बड़े भाई ने लेंग शाउटिंग और काव्या पर ध्यान केंद्रित किया उसने उनका पीछा करने के लिए किसी को भी भेजा रात का नाश्ता करने के बाद लेंग शाउटिंग और काव्या होटल के लिए रवाना हुए लेंग शाउटिंग को लेने जाने से पहले काव्या ने गोंघाहाव होटल में एक स्विट बुक हालांकि जैसे ही वे नाइट स्नैक स्ट्रीट से बाहर निकले आक्रामक मजबूत लोगों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया बिना किसी संदेह के उन्हें झान परिवार द्वारा भेजा गया होगा इसके अलावा वे सभी लोग अच्छे लड़ाके लग रहे थे जिसका मतलब था कि झान परिवार ने उन्हें हल्के में नहीं लिया लेंग शाउटिंग लॉर्ड जान को तीन मीटर दूर से किक मारने में सक्षम थे यदि झान परिवार ने कई अच्छे लड़ाके नहीं भेजे होते तो वे उसे पकड़ नहीं पाते दुर्भाग्य से वे फिर भी असफल रहेंगे काव्या यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि मुसीबत हमेशा उसके पास रहती है वह आक्रामक लड़की नहीं थी लेकिन अक्सर मुसीबत में फंसी रहती थी यदि वह मार्शल आर्ट इतनी उत्कृष्ट नहीं होती तो उसे अनगिनत बार धमकाया गया होता सभी राहगीर उनसे दूर रहे कहीं उन्हें चोट न लग जाए बिना किसी हिचकिचाहट के मजबूत लोगों का झुंड लेंग शाउटिंग और काव्या के पास चला गया उनका लक्ष्य उन्हें पकड़ना था जैसे ही वे आगे बढ़े लेंग शाउटिंग और काव्या ने भी उन पर हमला कर दिया किसी ने तुरंत पुलिस को फोन किया लेकिन पुलिस स्टेशन ने लॉर्ड जैन की खातिर इससे निपटने से इनकार कर दिया सभी दर्शक चिंतित थे कि काव्या और लेंग शाउटिंग जल्द ही घायल हो जाएंगे हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ पुरुषों के झुंड को जल्द ही मार गिराया गया यह पता चला कि लड़ाई में लेंग शाउटिंग और काव्या उन लोगों से कहीं बेहतर थे कई मिनटों के भीतर लेंग शाउटिंग और काव्या ने उनमें से प्रत्येक मजबूत व्यक्ति को हरा दिया उन दोनों ने एक हिंसक लड़ाई में एक दर्जन से अधिक लोगों को हराया एक बार जब उन लोगों को जमीन पर पीटा गया तो वे मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो सके जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया मेरा जान परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है लेकिन लॉर्ड जान ने सबसे पहले मेरा अनादर किया हमने तो बस उसे सबक सिखाया अगर वह हमें फिर से परेशान करना चाहता है तो हम उसके प्रति विनम्र नहीं होंगे काव्या ने ठंडे स्वर में कहा हालांकि उसके हांगकांग में ज़्यादा संबंध नहीं थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी वास्तव में उसे स्वयं इससे निपटने की कोई आवश्यकता नहीं थी वह सीधे दुष्ट जीवों को आज़ाद कर सकती थी और यह जान परिवार सहित पूरे हांगकांग को बर्बाद कर सकती थी काव्या ने पहले से ही दुष्ट जीवों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक उपाय सोच लिया था और वह ऐसा करने ही वाली थी दुष्ट जीवों को अपने आंतरिक अनुशासन के लिए जादुई शक्ति की आवश्यकता थी ताकि वह उसे जादुई शक्ति से मदद करने के लिए लुभा सके जहां तक नरभूत की बात है काव्या ने अभी तक उससे निपटने का कोई अच्छा विचार नहीं सोचा था अगर उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह उसे नष्ट कर देगी चाहे वह अच्छा भूत हो या बुरा उसका इस दुनिया में रहना ठीक नहीं था इसके अलावा वह पहले ही वह छीन चुकी थी जिसे वह सुरक्षित रखना चाहती थी अगर वह इसे आज़ाद भी कर दे तो भी यह उसे इससे दूर नहीं जाने देगा उसके बाद काव्या ने लेंग शाउटिंग का हाथ पकड़ लिया और चली गई जब काव्या और लेंग शाउटिंग चले गए तो उन लोगों के नेता ने तुरंत लॉर्ड जैन के दूसरे सबसे बड़े भाई को बुलाया और उसे परिणाम बताया लॉर्ड जैन का दूसरा सबसे बड़ा भाई इससे आश्चर्यचकित था और उसका मानना था कि वे आम आगंतुक नहीं हो सकते यदि लेंग शाउटिंग और काव्या आम आगंतुक तो होते तो वे लड़ने में इतने अच्छे नहीं होते यह सोचकर लॉर्ड जैन का दूसरा सबसे बड़ा भाई झिझक गया हालांकि वह इस बात से अप्रसन्न था कि काव्या ने उसे धमकी दी थी वह जानता था कि उसे अपने परिवार के लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए वैसे भी उसे पहले उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए काव्या के बारे में जानकारी की बात करें तो हान यूहन को भी यह एक घंटे पहले ही मिल गई थी इंटरनेट पर काव्या के बारे में खबरें पढ़कर उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल अठारह वर्ष की थी देखते हुए कोई भी उसे पंगा लेने को तैयार नहीं था उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना भी आसान नहीं था जैसे ही काव्या और लेंग शाउटिंग अपने कमरे में वापस आए लेंग शाउटिंग ने उसे बिस्तर पर दबा दिया और अगले कुछ घंटों में वे प्यार करने लगे अगली सुबह काव्या और लेंग शाउटिंग दोनों देर तक बिस्तर पर रहे क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं था और ठीक उसी वजह से लेंग शाउटिंग ने काव्या के साथ एक बार फिर सेक्स किया सौभाग्य से काव्या ऊर्जा से भरपूर थी अन्यथा वह बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाती सुबह करीब दस बजे काव्या को हे सीन का फोन आया वह सीन दोपहर बारह बजकर तीस मिनट बजे उसे लेने आएगा अभी तो जल्दी थी लेकिन उसे काव्या को तय समय से पहले बताना था हे सीन के साथ कॉल रखने के बाद काव्या और लेंग शाउटिंग उठे काव्या ने हे सीन से कहा था कि वह अपनी असली पहचान दिखाने को तैयार नहीं थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके परिवार को इसके बारे में पता चले इसलिए उसने खुद को छिपाने का फैसला किया और तांग ऐनिंग नाम का इस्तेमाल किया वह सीन समझ गया और सहमत हो गया उस स्थिति में काव्या ने बिस्तर छोड़ने के बाद मेकअप करना शुरू कर दिया और खुद को टैंग ऐनिंग की तरह तैयार करना शुरू कर दिया आकर्षक परिपक्व काव्या को देखकर लेंग शाउटिंग ने फिर से खुद पर नियंत्रण खो दिया उन्होंने गाओं ही और क्याऊया को नाश्ते में शामिल होने के लिए बुलाया जब वे लेंग शाउटिंग से मिले तो गांव यी और क्याऊया ने सम्मान के साथ उनका स्वागत किया आपको फिर से देखकर अच्छा लगा लॉर्ड लेंग नाश्ते के बाद अभी बारह बजे थे काव्या ने क्याओं को तीन जोड़ी धूप का चश्मा खरीदने के लिए कहा काव्या को छोड़कर उनमें से प्रत्येक धूप का चश्मा पहनेंगे काव्या ने कहा आप मेरे अंगरक्षक हो सकते हैं और धूप का चश्मा आपके चेहरे को ढक सकता है वे तीनों आज काले रंग में थे इसलिए उनके लिए काव्या का अंगरक्षक बनना बहुत उपयुक्त था लेंग शाउटिंग की एक विशेष पहचान थी लेकिन उसने काव्या के साथ वहां जाने की जिद की इसलिए उसे भी अपना भेष बदलना पड़ा हालांकि लेंग शाउटिंग को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी लेकिन काव्या को उसका ख्याल रखना था कोई समस्या नहीं उन्होंने कहा चूंकि यह काव्या की व्यवस्था थी लेंग शाउटिंग ने अस्वीकार नहीं किया दोपहर बारह बजकर तीस मिनट बजे उसने फिर से काव्या को फोन किया वह दस मिनट पहले होटल पहुंची लेकिन नियत समय होने तक काव्या को फोन नहीं किया जब उसने काव्या को देखा तो हे सीन बहुत आश्चर्यचकित हुआ और लगभग उसे पहचान ही नहीं पाया काव्या बहुत बदल गई थी यदि गांव ही और क्या उसके पीछे नहीं खड़े होते तो हे सीन को नहीं पता होता कि वह काव्या थी वह बहुत बदल गई है उसने मन ही मन सोचा जब हे सीन की नज़र काव्या के बगल वाले दूसरे आदमी पर पड़ी तो वह उसके सुंदर रूप को देखकर दंग रह गई मिस काव्या वह कौन है उसने सीन से काव्या से पूछा हे सी ने वह प्रश्न केवल यह सुनिश्चित करने के लिए पूछा कि नया चेहरा विश्वसनीय है क्योंकि वे एक बहुत ही विशेष बैठक में जा रहे थे काव्या भी समझ गई वह मेरा प्रेमी है कृपया इसके बारे में चिंता न करें काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा उसने सीएन को आराम दिया और उनके साथ चला गया वह हमेशा की तरह काव्या को लेने के लिए अकेले ही गई थी और कार एक एमपीवी थी बीस मिनट बाद वे कैसीनो पहुंचे जो है परिवार के नियंत्रण में था यह हांगकांग का सबसे बड़ा कैसीनो भी था लेकिन फिर भी यह सिटी एम जितना अच्छा नहीं था आख़िरकार सिटी एम दुनिया के शीर्ष चार जुआ शहरों में से एक था जो जुआरियों का असली स्वर्ग था एचके का जुआ उद्योग सिटी एम का केवल आधा था हे होंगजी एचके में जुए का बड़ा कारोबारी था जबकि सिटी एम में एक और जुए का कारोबारी था सिटी एम का जुआ व्यवसायी भी है होंगजी से अधिक प्रभावशाली था लेकिन वे अपने काम से काम रखते थे वे न सहयोगी थे न शत्रु आमतौर पर जब दो लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता था तो उनके लिए दुश्मन बनना कठिन होता था क्योंकि मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति की ज्यादा परवाह नहीं करता था जबकि कमजोर व्यक्ति मजबूत व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था यह उनकी बुद्धि और महत्वाकांक्षा पर भी निर्भर करता था कुछ महत्वाकांक्षी लोग महत्वाकांक्षा को अपने ऊपर हावी होने देते हैं ताकि वे कुछ ऐसा करें जो उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि यह है परिवार के कैसीनो की सालगिरह थी और है भाइयों के बीच प्रतियोगिता भी आज आयोजित की जाएगी विभिन्न सामाजिक स्थिति के कई लोग उपस्थित हुए जब काव्या का ग्रुप आया तो दोपहर के करीब एक बज रहे थे और प्रतियोगिता दो बजे शुरू होनी थी इसलिए हे सीन ने उन्हें वीआईपी लाउंज में आराम करने के लिए निर्देशित किया उन्हें अभी भी निजी तौर पर कुछ बात करने की जरूरत थी वे हे परिवार के सदस्यों के लिए विशेष मार्ग से गुजरे ताकि अन्य लोग उन्हें न देख सकें उनके बैठने के बाद सीन ने उनके लिए चाय के कप डाले फिर काव्या से कहा आज हम तीन प्रकार का जुआ खेलेंगे एक है सिली बो जो रूटीन है जहां तक अन्य दो का सवाल है दोनों पक्षों में से प्रत्येक एक को प्रस्तावित कर सकता है इसलिए आप वह फॉर्म चुन सकते हैं जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ है प्रत्येक प्रकार का जुआ दस राउंड तक खेला जाएगा जो भी सबसे अधिक पैसा जीतता है वह खेल जीतता है यह इस पर निर्भर नहीं है कि आप कितनी बार जीतते हैं जहां तक दाव की बात है खेल में दो पार्टियाँ इसके बारे में सौदा कर सकती हैं यदि आप चिप्स के लिए स्वयं भुगतान करने को तैयार हैं तो आप जीते गए पैसे घर वापस ले जाएंगे यदि आपको यह करने के लिए मेरे परिवार की आवश्यकता है तो आप जो पैसा जीतेंगे वह हमारा होगा यह आप पर निर्भर करता है मैं खुद चिप्स खरीद सकता हूं इसमें कोई शक नहीं कि काव्या अपने लिए पैसे कमाने जा रही थी वह सीन सहमत हो गया और उसने सोचा कि यह एक बेहतर विचार था ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे काव्या पर भरोसा नहीं था बल्कि इसलिए क्योंकि वह अब तक उसके बारे में बहुत कम जानती थी अगर काव्या खुद पैसे देने को तैयार होती तो वह खुद को खेल के लिए समर्पित कर देती जहां तक जुए के प्रकार की बात है तो काव्या को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी उसे विश्वास था कि सिस्बो खेलते समय वह हारेगी नहीं और स्लॉट मशीन एक और मशीन थी जिसके साथ वह भाग्य बना सकती थी तदनुसार उसने पूछा क्या मैं स्लॉट मशीन चुन सकती हूं यह सुनकर है सीन आश्चर्यचकित रह गया यह एक विकल्प था लेकिन थोड़ा बचकाना भी था बेशक आप कर सकते हैं हे सीन ने कहा जब दोपहर के एक बजकर तीस मिनट बजे थे हे सीन को एक फोन आया और वह बाहर चला गया थोड़ी देर बाद वह हे होमजी के साथ वापस आई उन्होंने सीन ने उनका एक दूसरे से परिचय कराया हे सीन ने हे होमजी को बताया था कि उनकी सहायक केवल अठारह वर्ष की थी लेकिन काव्या आज टैग एनिंग नाम की एक परिपक्व महिला की तरह दिखाई दी जिससे वह भ्रमित हो गया फिर उसने सीन को इसका कारण बताया वह होंगजी समझ गया क्योंकि यह वास्तव में एक खतरनाक काम था अगर काव्या आज जीत जाती तो बहुत संभव था कि वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाती हालांकि हे होंगजी को अभी भी संदेह था उसने काव्या पर भरोसा करना चुना आखिरकार अब काव्या ही उसकी सबसे अच्छी और एकमात्र पसंद थी वह होंगयुआन तब पहुंचे जब दोपहर दो बजे से बीस मिनट दूर थे और उनके आसपास लगभग बीस अंगरक्षक थे वह उन सभी से आगे चला गया उसके बाद एक तीस वर्षीय व्यक्ति और हे यिक्सी चल रहे थे आज की योजना के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी थी लेकिन किसी ने इसके बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं की क्या वह आदमी मास्टर होंगेवान फैन जहाओं के पीछे नहीं चल रहा है यह है फैन जहाओं सिटी एम में जुआ व्यवसायी का दूसरा प्रशिक्षु हुआ करता था लेकिन उसने अपने मालिक को धोखा दिया और उसे भगा दिया गया भले ही वह अपने चरित्र के लिए कुख्यात था वह जुआ खेलने में वास्तव में अच्छा था और उसने सिटी एम के जुआ व्यवसायी से कई कौशल सीखे थे क्या मास्टर होंगेवान ने फैन जिहाओं को अपनी ओर से गेम खेलने के लिए आमंत्रित किया यह इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता ऐसा लगता है कि जुए का दिग्गज अब खतरे में है मैंने सुना है कि जुआ व्यवसायी अपनी सुनने की शक्ति खो रहा है मुझे लगता है कि जुए के दिग्गज ने किसी को अपनी मदद के लिए भी आमंत्रित किया होगा सही न तो हे होंगजी और न ही हे होंगुवान आज व्यक्तिगत रूप से खेल खेलेंगे क्योंकि हे होंगजी अपनी सुनने की क्षमता खो रहा था जबकि हे होंगुवान कोई गलती नहीं करना चाहता था हालांकि वह जुए में भी कुशल था इसलिए काव्या हे होंगजी की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेगी और फैन जहाओ हे होंगयुआन का प्रतिनिधित्व करेंगे काव्या अभी भी अनुपस्थित थी इसलिए कोई नहीं जानता था कि हे होंगजी की मदद कौन करेगा हे होंगयुआन की नजर में उसका मानना था कि हे होंगजी को व्यक्तिगत रूप से खेल खेलना होगा क्योंकि हे होंगजी की तरफ से उसके पास एक जासूस था उसे नहीं पता था कि जासूस पहले ही बेनकाब हो चुका था और हे होंगजी ने उन्हें बताया था कि वह वा अपनी वास्तविक योजना को कवर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से गेम खेलेगा वह होंगुआन और अन्य लोग हॉल में केंद्रीय जुआ टेबल के दाई और बैठे थे फैन जहां पहली पंक्ति के बीच में बैठे थे और हे होंगुआन हे यिक्सी के साथ उनके किनारे बैठे थे यह जुए की मेज आज के खेल के लिए लगाई गई थी वह होंगजी कहा है वह अब तक अनुपस्थित क्यों है हे हैंगेवान ने जोर से कहा उसने ऐसा व्यक्त किया मानो है होंगजी उससे डर गया हो मास्टर होंगेवान जल्दी क्यों अभी दोपहर के दो बजे नहीं है इसी समय लगभग तीस वर्ष का एक व्यक्ति वहां से गुजरा वह है परिवार हे यशाओं का सबसे बड़ा बेटा था वह यशाओं बिल्कुल भी चिंतित या घबराया हुआ नहीं लग रहा था इसलिए नहीं कि वह खुद को शांत करने में सक्षम था बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पिता ने उसे बताया था कि उन्होंने आज उनकी मदद करने के लिए एक प्रतिभाशाली जुआरी को आमंत्रित किया है हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि वह आज जीतने वाली है फिर भी वे आश्वस्त थे हे होंगान हे यशाओं का चाचा था लेकिन जब से वे दुश्मन बन गए तब से हे यशाओं उसे मास्टर होंग्युवान कहता था हे होंगान ने कहा इसका समय से कोई लेना देना नहीं है बल्कि शिष्टाचार है वास्तव में वह है परिवार के व्यवसाय को संभालने के लिए एक सेकंड भी अधिक इंतजार नहीं कर सकता था क्या यह इतना विनम्र नहीं है कि मैं हे परिवार का सबसे बड़ा बेटा व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करने के लिए यहाँ आया उसने यशाओं ने अपनी भौहें सिकोड़ ली हे होंगुवान ने अपने होंठ दबाए और चुप रहा यह स्पष्ट रूप से काफी विनम्र था कि हे परिवार का सबसे बड़ा बेटा व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने आया था भगवान क्या मैं जान सकता हूं कि मास्टर होमजी आज की प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे किसी ने पूछा खेल शुरू होने वाला था इसलिए यह कोई अनुचित प्रश्न नहीं था मैंने सुना है कि मास्टर होमजी की सुनने की शक्ति हो रही है क्या वह ठीक है किसी ने चिंता से पूछा कौन जानता है उन्होंने यशाओ ने त्यागपूर्ण दृष्टि से उत्तर दिया हे यशाओं की प्रतिक्रिया देखकर हे होंगवान अधिक प्रसन्न हुआ उसका मानना था कि कोई भी हे होंगजी की मदद नहीं करेगा जो जियांगकुई ने उन्हें जानकारी लीक कर दी थी और उनके आने से पहले उन्होंने कुछ शोध भी किया था हांगकांग के किसी भी प्रसिद्ध ज्वारी को हे परिवार द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था जहां तक उन ज्वारियों की बात है जिनके पास बहुत प्रसिद्धि नहीं है उन्होंने शोध करने की जहमत नहीं उठाई इसलिए हे होंगवान को विश्वास था कि दिन के अंत में वह विजेता होगा ठीक है अगर यह सच नहीं होता कि होंगजी अपनी सुनने की क्षमता खो रहा है और सियांग गायब है तो मैं है परिवार के भविष्य के लिए आज की प्रतियोगिता आयोजित नहीं करता हे होंगुवान ने आ भरी और मासूमियत से खेला भले ही यह सब एक योजना थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह जिम्मेदारी लेने को तैयार था क्योंकि विदेश में खबर जाने पर इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा वह यह भी स्पष्ट रूप से जानता था कि हे होंगजी के साथ साथ हे होंगजी के परिवार को भी उस पर संदेह था लेकिन उनके पास सबूत की कमी थी इसलिए वह इससे बच सकता था इसके अलावा उन्हें तिया हुई का भी समर्थन प्राप्त था हे यशाओं की आंखों में ठंडक का एक स्पर्श चमक उठा वह जानता था कि आज की योजना के पीछे है होंगयुआन ही मास्टरमाइंड था लेकिन बिना सबूत के वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था हे होंगयुआन को मारना मुश्किल नहीं था लेकिन उसका दूसरा छोटा भाई अभी भी तियांडी हुई के हाथों में था जिसने हे होंगयुआन का समर्थन किया था अधिकांश लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था इसलिए वे महत्वहीन सबूतों से निष्कर्ष पर पहुंचे और माना कि हे होंगयुआन एक अच्छा दयालु व्यक्ति था केवल कुछ ही लोगों ने इस चौंकाने वाले रहस्य के बारे में सुना था लेकिन उनमें से किसी ने भी एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की हे परिवार के केवल कई पुराने दोस्त ही उनकी मदद करने को तैयार थे लेकिन हे होमजी ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वे इस झंझट में शामिल हों तिया हुई आखिरकार एक प्रसिद्ध क्रूर गिरोह था मास्टर होंगुआन वास्तव में दयालु और विचारशील है आप भी हे परिवार के सदस्य हैं और यदि आप पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है किसी ने कहा मैं सहमत हूँ कुछ लोग इस पर सहमत हुए हे यशाओं ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और धैर्य के साथ परिणाम देखने का इंतजार किया थोड़ी देर बाद हांग युगवान अंदर चला गया वह यहाँ है होंगुवान का समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि आज की प्रतियोगिता की सराहना करने के लिए आए थे बहुत से लोग तियांदी हुई और हे होंगुआन के बीच के रिश्ते को नहीं जानते थे इसलिए कुछ लोगों ने सोचा कि वह हे परिवार की खातिर आए थे अधिकांश लोग केवल यह जानते थे कि हे होंगजी ने तियांदी हुई के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे हालांकि हे होंगजी के तियांडी हुई के साथ अच्छे संबंध थे लेकिन तियांडी हुई को हे परिवार के पारिवारिक मुद्दों से दूर रहना पड़ा आपको देखकर अच्छा लगा लॉर्ड होंग आप आराम से तशरीफ रखिए उन्होंने यशाओं ने होंग युहवान का स्वागत किया वास्तव में वे करीब हुआ करते थे लेकिन अब हे यशाओ ने हांग युहान से दूरी बना ली है हालांकि तियांडी हुई के उत्तराधिकारी के रूप में होंग युहान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उन्हें उम्मीद थी कि हे होंग जी हमेशा की तरह हे परिवार के व्यवसाय का नेतृत्व कर सकते हैं लेकिन तियांडी हुई को अपने लिए भत्ते बनाने होंगे व्यवसाय में लाभ को हमेशा निजी संबंधों से पहले रखा जाता था आपको फिर से देखकर अच्छा लगा प्रभु हांग युहवान ने कहा दोपहर करीब एक बजकर पचास मिनट बजे हे होंग जी अंत काव्या सहित कई लोगों के साथ दिखाई दिए एक बार जब वह दिखा तो हर कोई उसकी ओर देखने लगा किसी ने भी उसके अगल बगल के लोगों पर ध्यान नहीं दिया काव्या सिर्फ एक महिला थी इसलिए जाहिर तौर पर उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था हालांकि हर किसी को आश्चर्य हुआ हे होंग जी पहली पंक्ति की मध्य सीट पर नहीं बैठे बल्कि महिला को उस पर बैठने दिया वह और हे सीन महिला के बगल में बैठे थे जबकि बाकी सभी उनके पीछे खड़े थे यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान रह गया यह समझ में आने योग्य था कि हे परिवार ने अपनी ओर से खेल खेलने के लिए एक अन्य ज्वारी को आमंत्रित किया था लेकिन महिला बहुत छोटी लग रही थी हे होंगुआन ने लापरवाही से जोर जियांगकुई पर नज़र डाली वह चुपचाप उससे सवाल कर रहा था क्या जोर जियांगकुई ने उसे नहीं बताया कि हे होंगजी व्यक्तिगत रूप से गेम खेलेगा इस महिला ने उनकी जगह कैसे ले ली क्या वह मुझे धोखा दे रहा है यह सोचते हुए हे होंग्युवान ने तुरंत जोर जियांगकुई को नापसंद कर दिया लेकिन उसे अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला था इसलिए उसे यकीन नहीं था कि यह जोर जियांगकुई की गलती थी यह युवा महिला हांगकांग के प्रसिद्ध जुआरियों की सूची में नहीं थी इसलिए उसे या तो नया होना चाहिए या एक रहस्यमय जुआ मास्टर होना चाहिए हे होंगुआन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह महिला एक रहस्यमय जुआ गुरु थी क्योंकि उसका मानना था कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो धन और प्रसिद्धि को महत्व नहीं देता हो इसलिए उसने यह नहीं सोचा कि वह महिला मेल खाती थी उनकी नजर में फैन जहाओं सबसे अच्छा जुआरी था जो ज्यांगकुई भी काव्या को देखकर आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि हे होंगजी ने उससे कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से गेम खेलेगा अचानक जो को एहसास हुआ कि वह पहले ही हे होंगजी का भरोसा खो चुका है हे होंगजी को शायद कुछ पता चल गया था जो ज्यांग थोड़ा घबरा गया लेकिन उसे अब भी विश्वास था कि वह सुरक्षित रहेगा क्योंकि वह पहले से ही हे होंगयुआन के पक्ष में था उसे नहीं पता था कि हे होंगयुआन को भी अब उस पर संदेह था फैन जहां को जब पता चला कि उसकी प्रतिस्पर्धी एक महिला है तो वह असंतोष से भर गया उन्होंने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया और सोचा कि महिलाएं पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं है हालांकि अब निर्णय लेना उसके ऊपर नहीं था इसलिए वह केवल अपने चेहरे पर काव्या के प्रति अपना तिरस्कार दिखा सकता था हे होंग ने काव्या को घूरकर देखा उसे डराने की कोशिश की लेकिन काव्या ने उस पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाई जिससे वह नाराज हो गया उसकी मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी प्रतिक्रिया देखकर लेंग शाउटिंग अप्रसन्न हुए लेकिन वे अपनी भूमिका अच्छी तरह जानते थे इसलिए उन्हें चुप रहना पड़ा मिस आपका नाम क्या है हे हैंगान ने अहंकारी स्वर में पूछा तांग ऐनिंग काव्या ने गर्व से कहा वह उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती थी हे होंगुवान ने जुआ उद्योग में तांग ऐनिंग का नाम कभी नहीं सुना था इसलिए उसका मानना था कि वह एक नया चेहरा थी मिस टैंग आप कहाँ से हैं और आप इस उद्योग में कितने वर्षों से शामिल हैं हे होंगेवान ने स्पष्ट नापसंदगी के साथ फिर से पूछा काव्या ने जवाब दिया मुझे नहीं लगता कि उन सवालों का आज की प्रतियोगिता से कोई लेना देना है मैंने यूं ही पूछ लिया मिस टैंग मुझसे इतनी नाराज क्यों है आखिरकार मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूं क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग किसी बूढ़े आदमी के प्रति तुम्हारे अशिष्ट रवैये की आलोचना करेंगे उन्होंने होगवान ने कहा उसने हर चीज के लिए काव्या को दोषी ठहराया ओह मास्टर होगेवान यदि आप वास्तव में उम्र और शिष्टाचार की परवाह करते हैं तो आप हे परिवार में अग्रणी भूमिका के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आज यहाँ क्यों आए हैं क्या आप भी है परिवार के सदस्य नहीं है क्या आप मास्टर होंगजी की सहायता नहीं कर सकते क्योंकि वह अपनी सुनने की क्षमता खो चुके हैं क्या आपको डर नहीं लगता कि लोग आपकी महत्वाकांक्षा की आलोचना करेंगे काव्या ने पूछा यह सुनकर हे होंगयुआन पागल हो गया उसने मेज पर अपनी हथेली मारी और तुरंत खड़ा हो गया तुम दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत मत करना वह काव्या पर झपटा इससे पहले कि काव्या कुछ कर पाती लेंग शाउटिंग गांव ही और क्याओ हां जो उसके पीछे खड़े थे ने बिना देर किए है होंगयुआन पर अपनी नजरें जमा दी और उसे चेतावनी दी कि वह काव्या पर चिल्लाए नहीं उन तीनों का सामना करते हुए हे होंगयुआन थोड़ा डर गया आखिरकार वह एक साधारण आदमी था जबकि उन तीनों ने अनगिनत बार हत्याएं की थी उनमें से कोई भी है होंगयुआन को पूरी तरह से तनावग्रस्त महसूस कराने में सक्षम था न केवल है होंगयुआन बल्कि उसके आसपास के अन्य लोगों ने भी दबाव महसूस किया इस समय काव्या ने उन पर एक नज़र डाली और वे सामान्य हो गए हे होंगजी और काव्या के पास बैठे अन्य लोग भी उनकी शक्ति से आश्चर्यचकित थे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे सिर्फ अंगरक्षक थे काव्या के सवाल सुनने के बाद हर कोई हे होंगुवान की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि क्या यह उसकी योजना है वह होंग्युवान थोड़ा घबरा गया लेकिन फिर भी उसने बहस की मिस टैंग अगर आपको मुझ पर संदेह है तो हमें कोई सबूत दिखाएं अन्यथा यह बदनामी होगी यह सुनकर अधिकांश लोगों ने हे होंगुवान पर अपना संदेह त्याग दिया अगर कोई ठोस सबूत नहीं था तो यह वाकई बदनामी थी इसलिए कई लोग काव्या को हे दृष्टि से देखते थे काव्या को कोई आपत्ति नहीं थी उसके पास कोई सबूत नहीं था लेकिन वह जानती थी कि यह सच है अभी दोपहर के दो बजे हैं चलो पहले शर्त लगा लें हे होंगजी ने उनके तर्क को बाधित किया अब उस विषय पर बहस करना व्यर्थ था हे होंगुवान ने भी उस विषय को छोड़ दिया हालांकि उन्हें विश्वास था कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिल सका फिर भी वे इस बारे में बात करने से झिझक रहे थे क्योंकि यह है परिवार के भविष्य के बारे में है मुझे लगता है कि हमें इस पर बहुत सारा पैसा दाव पर लगाना चाहिए अगर शर्त छोटी है तो यह उबाऊ होगा आप क्या सोचती हैं मिस टैंग फैन जिहाव पहल करना चाहते थे वह महिलाओं का अपमान करता था इसलिए उसने नहीं सोचा था कि काव्या उसे हरा सकती है भले ही काव्या है होंगजी की मेहमान थी फिर भी उसे विश्वास था कि वह किसी महिला से नहीं हारेगा वह एक अहंकारी व्यक्ति था क्यों नहीं आप इस पर कितना दाव लगाना चाहते हैं मुझे एक नंबर बताओ काव्या ने कहा और फैन जहाओं से भी अधिक अहंकारी लग रही थी काव्या के लहजे से फैन जहाओ नाराज हो गए और बोले बहुत अच्छा हम प्रति राउंड दस मिलियन का दाव क्यों नहीं लगाते फैन जहाओं ने बड़ी संख्या में कहा न केवल इसलिए कि काव्या ने उसे परेशान किया बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह आज का खेल खेलने के लिए अपने पैसे का उपयोग कर रहा था उसे विश्वास था कि वह जीत सकता है इसलिए उसने और अधिक पैसा कमाने की योजना बनाई नंबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया दस मिलियन युवा एक दौर के लिए दाव था और बाधाओं के प्रभाव में यह सौ मिलियन मिलियन युवा हो सकता है ठंडा काव्या ने अकड़ कहा जैसे दस मिलियन युवा नजर में कुछ भी नहीं था हालांकि फैन जिहाओ नाखुश थे उसे किसी तरह यह महसूस हुआ कि काव्या को लगा कि दस मिलियन युवा कम है और उसे शर्त बढ़ाने के लिए अचानक आवेग भी आया फिर भी दस मिलियन युवा में बहुत अधिक था और यह अगले गेम में बहुत बड़ी संख्या बन सकती है हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि वह हार जाएगा लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए काव्या और फैन जहाओ दोनों ने 500 मिलियन युवा 50 चिप्स का आदान प्रदान किया और प्रत्येक चिप का अंकित मूल्य 10 मिलियन युआन मिलियन एक बार जब चिप्स उनकी जेब में आ गए तो खेल शुरू हो गया डीलर ने पासा कप उठाया और पहले दोनों पक्षों को इसे जांचने दिया जब तक पासा कप ठीक साबित नहीं हो गया तब तक उसने खेल शुरू नहीं किया जैसे ही पासा कप में पासा घुमाया गया फैन जिहाओं ने उनके द्वारा निकाली गई आवाज पर ध्यान केंद्रित किया जबकि काव्या आराम से बैठी रही ऐसा लग रहा था जैसे वह पासे के कप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी यह देखकर लेंग शाउटिंग गाओ यी क्या या और हे सीन को छोड़कर अन्य सभी को काव्या के व्यवहार पर संदेह हुआ यहां तक कि हे होंगजी को भी समझ नहीं आया कि काव्या अब क्या कर रही है हालांकि उन्होंने फिर भी हे सीन की पसंद पर भरोसा करना चुना चूंकि हे सीएन को विश्वास था कि काव्या उनकी मदद कर सकती है काव्या उनकी मदद करेगी जो ज्यानकुई को नहीं पता था कि वह महिला काव्या थी यदि वह यह जानता तो वह यह भी मानता कि हे होंगुआन असफल होने के लिए अभिशक् था हे होंगुआन ने जो ज्यानकुई से काव्या के बारे में भी सुना था हालांकि वह उसके जुआ कौशल से चकित था उसने पहले ही फैन जहां को निमंत्रण पत्र भेज दिया था इसलिए व्यक्ति को बदलना उसके लिए उपयुक्त नहीं था इसके अलावा काव्या की तुलना में हे होंगुआन फैन जहाओ को चुनने के लिए अधिक इच्छुक था जो हांगकॉन्ग में एक प्रसिद्ध ज्वारी था हालांकि भले ही हे होंगुवान ने काव्या को नहीं चुना लेकिन उसने हे सीन को उसे आमंत्रित करने की अनुमति नहीं दी इसलिए उसने हे सीन पर कड़ी नजर रखी लेकिन उसे कुछ नहीं मिला उसने काव्या को क्यों नहीं देखा हे होंगुआन हांगकांग में प्रभावशाली था लेकिन अन्य शहरों में नहीं और काव्या का किरण गिरोह के साथ घनिष्ठ संबंध था इसलिए उसने अपना व्यवहार सीमित कर दिया उसे वास्तव में अब त्यादी हुई का समर्थन प्राप्त था लेकिन उनकी वास्तविक सहायता प्राप्त करने के लिए उसे पहले आज का गेम जीतना था इसलिए वह नहीं जानता था कि काव्या अब हांगकांग में है और न ही उसने हे होमजी पर ज्यादा ध्यान दिया जब उसने जोर ज्यांग से सुना कि हे होमजी व्यक्तिगत रूप से आज की प्रतियोगिता में शामिल होंगे वास्तव में उसके पास काव्या को हे होमजी की मदद करने से रोकने की क्षमता नहीं थी भले ही उसे सच्चाई का पता चल गया हो पासे का प्याला मेज पर गिर गया और वे दाव लगाने लगे फिर भी यह अपरिहार्य था कि यदि दो लोग एक दूसरे की पसंद को देख सके तो वे एक ही शर्त लगाएंगे उस स्थिति में उन्होंने उसी समय अपनी पसंद बताने से पहले अपने सामने एक खाली बोर्ड पर लिखने का फैसला किया फैन जहाओं ने आत्मविश्वास के साथ खाली बोर्ड पर अपनी पसंद लिखी दूसरी ओर काव्या ने पासे के कप में पासों पर दिखाए गए नंबरों को देखने के लिए अपनी जेड़ आंखों का इस्तेमाल किया फिर अपनी पसंद लिख दी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गंभीर प्रतियोगिता में नहीं थी बल्कि एक आसान गेम खेल रही थी यहां तक कि हे होंगजी और हे यशाओं भी अब थोड़े चिंतित थे दूसरी ओर हे होंगुआन और फैन जहाओं ने अपने चेहरे पर काव्या के प्रति स्पष्ट तिरस्कार दिखाया वे यह सोचने के लिए बहुत अहंकारी थे कि काव्या आराम से थी क्योंकि वह जीतने जा रही थी अपनी पसंद लिखने के बाद उन्होंने अपने बोर्डों को एक दूसरे के सामने कर दिया फैन जहाओं ने कुल स्कोर पर दाव लगाया जो तेरह था काव्या ने विशिष्ट संख्याओं पर दाव लगाया जो दो पांच और छह थे काव्या के बोर्ड को देखकर फैन जहाओं और अन्य लोग भौने चढ़ा बैठे दोनों ने तेरह पर दाव लगाया लेकिन फैन जहां विशिष्ट संख्या बताने में विफल रहे यदि कुल स्कोर तेरह था और विशिष्ट संख्याएं दो पांच और छह थी तो काव्या जीत जाएगी जब कुल स्कोर चार या सत्रह था तो संभावना पचास से एक थी जब कुल स्कोर पांच या सोलह था तो संभावना अठारह से एक थी जब कुल स्कोर छह या पंद्रह था तो संभावना चौदह से एक थी जब कुल स्कोर सात या चौदह था तो संभावना बारह से एक थी जब कुल स्कोर आठ या तेरह था तो संभावना आठ से एक थी जब कुल स्कोर नौ दस ग्यारह या बारह था तो संभावना छह से एक थी काव्या और फैन जहां दोनों ने तेरह पर दाव लगाया इसलिए अंतर आठ से एक था यदि पासा कप में कुल स्कोर वास्तव में तेरह था तो यह एक टाई होगा हालांकि काव्या ने विशिष्ट संख्याएं बताई इसलिए संभावनाएं दोगुनी हो गई और वे सोलह से एक हो गई उस स्थिति में भले ही फैन जहाओं और काव्या दोनों कुल स्कोर पर सही हो फिर भी फैन जहाओ को काव्या को 80 मिलियन युवा करना होगा इसके विपरीत यदि काव्या विशिष्ट संख्याओं में गलत थी तो संभावना आधी अधिक होगी और उसे फैन जहाओं को 40 मिलियन युवा करना होगा कई लोगों ने सोचा कि यह बहुत संभव है कि पासा कप में कुल स्कोर तेरह था लेकिन कोई भी विशिष्ट संख्या नहीं जानता था डीलर ने बाद में पासा कप खोला और संख्याएं दो पांच छह थी इसलिए काव्या जीत गई जिसने सभी को चौंका दिया उन्होंने काव्या पर भरोसा किया लेकिन वह अभी भी घबराई हुई थी क्योंकि आज की प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण थी जब तक काव्या ने पहला राउंड नहीं जीत लिया तब तक उन्होंने आराम नहीं किया हे होंगजी और अन्य लोग जिन्होंने पहले काव्या पर संदेह किया था वे भी अब शांत हो गए हैं निस्संदेह हे होंगीवान परिणाम देखकर पागल हो गया था चाहे वे कितने भी आश्चर्यचकित क्यों न हो काव्या हमेशा की तरह शांत रही ऐसा लग रहा था जैसे उसे परिणाम पहले से ही पता था पहले दौर के बाद हे होंगुआन और फैन जिहाओं को काव्या को गंभीरता से लेना पड़ा जल्द ही दूसरा दौर शुरू हुआ फैन जहां ने पांच 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 पर दाव लगाया जो ऑल था काव्या ने वैसा ही किया दूसरा राउंड ताई रहा पहले दो राउंड के बाद लोगों को विश्वास होने लगा कि काव्या एक कुशल जुआरी थी और वे उसके अगले प्रदर्शन के लिए बहुत उत्सुक थे तीसरा राउंड भी टाई रहा और काव्या ने चौथा राउंड जीत लिया काव्या ने हर बार कुल स्कोर और विशिष्ट संख्या दोनों पर दाव लगाया क्योंकि उस स्थिति में संभावना सबसे अधिक होगी शुरुआत में लोगों को पता ही नहीं चला कि वह क्या कर रही है लेकिन जल्द ही उन्हें काव्या की योजना का पता चल गया उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह पासे के प्याले में पासे देख सकती हो इसके अलावा वह एक बार भी नहीं हारी हे होंग्युआन और फैन जिहाओं को संदेह था कि काव्या ने खेल में धोखाधड़ी की होगी लेकिन वे कोई सबूत ढूंढने में असफल रहे दरअसल सिटी एप में जुए का दिग्गज भी हर बार इतना सटीक नहीं हो सकता काव्या ने वो कर दिखाया जो पहले कोई नहीं कर सका थोड़ी देर के बाद हे होंगुआन और फैन जिहाव घबराने लगे जिससे उनका निर्णय प्रभावित हुआ जो ज्यांग ने इस समय काव्या के बारे में सोचा क्योंकि तांग ऐनिंग ने वही किया जो काव्या ने पहले किया था हालांकि उसे उन दोनों के बीच कुछ और समान नहीं मिला इसलिए उसे अभी भी नहीं पता था कि तांग ऐनिंग वास्तव में काव्या थी यहाँ क्या हो रहा है अचानक इतनी सारी प्रतिभाशाली महिला ज्वारी क्यों हो गई है पांचवें और छठे राउंड में काव्या ने जीत हासिल की फैन जहाव विशिष्ट संख्याओं में बार बार गलत थे कुल छह राउंड के बाद फैन फैनजहाओं चार बार सही थे जो जुआ उद्योग में एक बहुत अच्छा परिणाम था लेकिन इस बार उनकी प्रतिद्वंद्वी काव्या थी उसके लिए जीतना असंभव था काव्या ने इस बार ऑल्स पर दाव लगाया ऑल्स की संभावना 24 से एक थी जिसका मतलब था कि फैन जहाओं को एक राउंड के लिए काव्या को 240 मिलियन युवा करना था फैन फैनजहाओं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और खड़े होकर मेज से टकराया उसने काव्या को घूरकर देखा जैसे वह गुस्से में उसे निगल जाएगा आप हर बार सही विशिष्ट संख्याएं कैसे बता सकते हैं यह असंभव है कि एक सामान्य इंसान ऐसा कर सके तुमने धोखा दिया होगा यह उचित नहीं है फैन जहाओं का मानना था कि काव्या ने गेम में धोखा दिया होगा अन्यथा उसकी पसंद हर बार इतनी सटीक नहीं होती ठीक है तुमने धोखा दिया होगा उन्होंने होंगयुआन ने फैन जहाओं का समर्थन किया अगर काव्या इसी तरह जीतती रही तो उनकी विफलता तय थी यदि है होंगुआन आज गेम हार गया तो उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब खो देगा हे परिवार बिना किसी संदेह के उसका पीछा करेगा और तियांदी हुई भी उसे छोड़ देगा तियांदी हुई की सुरक्षा के बिना हे होंगजी के लिए उसे मारना बहुत आसान था वास्तव में फैन जिहाओं और हे होंग को छोड़कर कई अन्य लोगों का भी यही विचार था लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा दिलचस्प आप गेम नहीं जीत सकते इसलिए आप हम पर गेम में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हैं अगर आपके पास कोई सबूत है तो हमें दिखाएं उन्होंने सीन ने तर्क दिया हालांकि काव्या के व्यवहार से लोगों को संदेह हुआ लेकिन उसने खेल में बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं की थी अगर आपके पास कोई सबूत है तो हमें दिखाएं मुझे नहीं लगता कि मिस टैंग ने कुछ भी गलत किया है सही है हालांकि मिस टैंग सिस्बो में असामान्य रूप से उत्कृष्ट है उसने सभी की नजरों में खेल खेला है कई लोगों ने काव्या का बचाव भी किया मास्टर होगेवान जिहाओ मुझे डर है कि आप आज की प्रतियोगिता का परिणाम सहन नहीं कर सकते हे यशाओं ने भी काव्या का समर्थन किया तांग ऐनिंग वास्तव में एक प्रतिभाशाली ज्वारी था यहां तक कि ज्वारी भी जुआ खेलने में काव्या जितना अच्छा नहीं था हे होंगजी ने सोचा कि जुआ व्यवसायी बनने के लिए काव्या उससे अधिक योग्य थी वह आज काव्या को गेम जीतता देखकर खुश था लेकिन वह अब हे सियांग की स्थिति के बारे में चिंतित भी था आप हे होंग्युआन और फैन जिहाओं को नहीं पता था कि क्या कहना है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह महिला सिक्बो में इतनी अच्छी हो सकती है हालांकि यह सच था कि वे इसे स्वीकार करने को तैयार थे या नहीं इसके अलावा हे होंगयुआन वास्तव में आज की प्रतियोगिता नहीं हार सकता था लेकिन वह इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेगा क्या आप जारी रखना चाहते हैं या नहीं यदि नहीं तो आप हारे हुए होंगे काव्या ने अधीरता से अपना मुंह खोला जारी रखें हे होंगुवान ने तुरंत कहा वह देने में अनिच्छुक था मैं इस बार आपके साथ खेलूंगा हे होंगुवान ने कहा ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे फैन जिहाओं पर भरोसा नहीं था बल्कि इसलिए क्योंकि यह उसके भविष्य के बारे में था और वह फ़ैन जिहाओं पर भरोसा करने को तैयार नहीं था फिर भी फैन जहाओं की नज़र में हे होंग्युआन के व्यवहार का मतलब था कि उसे उसकी क्षमता पर संदेह था फैन जहाओं अप्रसन्न थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने अभी तक एक भी राउंड नहीं जीता था चूंकि हे होंगुआन अपने दम पर जुआ खेलने जा रहा था वह उन चिप्स के लिए भुगतान करेगा जो वे काव्या से हार गए थे फ़ैन जहाओं के लिए इस समय अपने चिप्स ले जाना अनुचित था इसलिए उसने ही होमयुआन के हारने पर चिप्स की संख्या याद रखने का फैसला किया यह शर्त एक दौर में करोड़ों युआन से अधिक की थी जो आखिरकार बहुत अधिक थी इसके अलावा लगातार छह राउंड हारने के बाद फ़ैन जहाँ को स्वीकार करना पड़ा कि उनके हारने की बहुत संभावना थी फ़ैन जहाँ अब पहले से कहीं अधिक परेशान था क्योंकि उसे पहले कभी इतनी बड़ी विफलता का सामना नहीं करना पड़ा था उसने अपने मालिक के खिलाफ जुआ खेला था जो कि जुआ खेलने का दिग्गज था और वह दो या तीन राउंड जीतने में सफल रहा था हालांकि उसके सामने इस महिला ने उसे एक बार भी जीतने नहीं दिया वह अब तक कुल मिलाकर 380 मिलियन युवा था जो हे होंगुवान द्वारा उसे दिए गए कमीशन से कहीं अधिक था हे होंगुवान ने फैन जहाओं की जगह ली लेकिन काव्या रुकी रही इसलिए परिणाम वही रहा या तो यह टाई था या काव्या जीत गई काव्या ने कभी गलतियां नहीं की हे होंगुवान अब भयानक मूड में था और पासा कप में पासे के घूमने की आवाज़ सुनने के लिए पर्याप्त शांत नहीं रह सकता था इसलिए उसे भी यकीन नहीं था कि वह सही था या नहीं हे होंगुआन ने अगले दौर में अपने खाली बोर्ड पर दो पांच और पांच लिखा हालांकि काव्या ने दो पांच और छह लिखा एक बार पासा कप खुला तो संख्याएं वास्तव में दो पांच और छह थी कुल स्कोर तेरह था और संभावना आठ से एक थी काव्या कुल स्कोर और विशिष्ट संख्याओं पर सही थी इसलिए अंतर सोलह से एक हो गया और हे होंग युआन को उसे 160 मिलियन युवा करना पड़ा हे होंग युआन अपनी कुर्सी पर गिर पड़े और परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया फैन जहां के पास अब केवल 120 मिलियन युवा थे जो पर्याप्त नहीं थे हे होंग युआन ने हे यिक्सी से कहा कि वह उसके लिए 500 मिलियन युवा और अधिक चिप्स का आदान प्रदान करे हालांकि हे होंग युआन हारने को तैयार नहीं था उसने अवचेतन रूप से सोचा कि इसकी अत्यधिक संभावना है जब हे यिक्सी उन चिप्स के साथ वापस आया तो हे होंगुआन ने काव्या को उनमें से 16 चिप्स दिए जिनकी कीमत 160 मिलियन युवा काव्या की जुए की कला से हर कोई आश्चर्यचकित था उसने बहुत ही कम समय में 540 मिलियन युवा लिए टांग ऐनिंग के लिए पैसा कमाना बहुत आसान था हांग युहआन के मन में अब मिश्रित भावनाएं थी ऐसा लग रहा था कि हे परिवार जीतने जा रहा था और उसके पिता को हे होंगजी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी पड़ी यदि हे परिवार ने हे परिवार के साथ अपना सहयोग समाप्त कर दिया तो यह हुई का नुकसान होगा हालांकि यदि हे होंगजी अपनी बुरी सुनने की क्षमता से उबर नहीं सका और हे सियांग अभी भी लापता था तो हे परिवार भी उसी संकट में होगा भले ही तियांदी हुई है होंगयुआन की सहायता करने के लिए सहमत हो गए लेकिन उन्हें हे सियांग के लापता होने के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वे इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे जारी रखें हे होंगयुआन ने परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपने पैसे वापस जीतने की कोशिश की उन्होंने पासा कप में पासा पलटने की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित किया हे होंगान ने दो तीन और तीन पर दाव लगाया काव्या ने दो तीन और तीन पर भी दाव लगाया इस बार वे दोनों सही थे इसलिए यह बराबरी पर था और हे होंगुवान ने थोड़ा आराम किया फिर भी टाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि वह जीत नहीं सका तो वह यह गेम हार जाएगा हे होंगुवान एक बार फिर नौवें दौर में भारी हार गया कुल स्कोर सोलह था और संभावना अठारह से एक थी जबकि काव्या कुल स्कोर और विशिष्ट संख्या दोनों पर सही थी इसलिए संभावना छत्तीस से एक हो गई उस मामले में हे होंगयुआन को उसे 360 मिलियन युवा करना पड़ा हर कोई हैरान था यीशु उसने एक राउंड के बाद 360 मिलियन युवा काव्या ने अब तक कुल मिलाकर 900 मिलियन युवा लिए थे हर कोई उससे ईर्ष्या करता था वह होंगयुआन इस भयानक परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका और अचानक कुछ खून उगल दिया जिसे देखकर आसपास के लोग भी डर गए पिता हे यिक्सी हे होंगयुआन का समर्थन करने के लिए दौड़ा अगर आज उन्होंने पैसा खो दिया है तो वे इसे बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन यह स्पष्ट रूप से पैसे का मामला नहीं था बल्कि हे परिवार की अग्रणी स्थिति थी यदि वे आज हार गए तो उन्होंने हे परिवार का पूरा व्यवसाय और संपत्ति खो दी यही असली कारण था कि हे होंगयुआन अपनी विफलता को स्वीकार नहीं कर सका हे होंगजी को हे होंगयुआन के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी हालांकि वे एक दूसरे से संबंधित थे फिर भी वे दुश्मन भी थे हे होंगयुआन ने स्वयं इसके लिए कहा मास्टर होंगयुआन क्या आपको आराम की जरूरत है उसने यशाओ से पूछा हालांकि वे हे होंगुवान को खून थूकते देखकर प्रसन्न थे उन्हें इस सार्वजनिक स्थान पर अपना शिष्टाचार दिखाना चाहिए जी नहीं धन्यवाद हे होंगुवान ने इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया वह अनुपस्थित नहीं रह सकता था चूंकि हे होंगुवान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया हे यशाओं ने दोबारा ऐसा कहने की जहमत नहीं उठाई हे होंगुआन अच्छी स्थिति में नहीं था इसलिए अंतिम राउंड खेलने के लिए फैन जिहाओं ने उसकी जगह ली फैन जिहाओं भी अत्यधिक तनाव में था क्योंकि वह पहले ही बहुत सारे पैसे खो चुका था अगर वह दोबारा हार गया तो उसे डर था कि वह इसे भी स्वीकार नहीं कर पाएगा वैसे भी फैन जिहाओं ने खुद को शांत होने और ध्यान केंद्रित रखने के लिए मजबूर किया आखिरी राउंड टाई था और फैन जिहाओं ने थोड़ा आराम किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वे फिर भी नौ सौ मिलियन युवा गए जुए के पहले रूप के बाद हे होंगजी विजेता था क्या हम अभी जुए का दूसरा रूप शुरू करें या कुछ देर आराम करें हे यशाओ ने हे होंगीवान से पूछा आइए आधे घंटे का ब्रेक लें हे यिक्सी ने कहा वह होंगीवान सहमत हुए उसे शांत होने के लिए भी समय चाहिए था बाद में हे यशाओं ने उनके आराम करने के लिए निजी कमरों की व्यवस्था की जहां तक अन्य लोगों की बात है वे भी आराम कर सकते थे या हॉल में खेल खेल सकते थे होम युवान को उसके निजी कमरे में ले जाने के बाद वह यशाओ दाई और चला गया उन्होंने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की जिससे हांग युवान परेशान हो गया आखिरकार वे घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे पर अब अजनबियों जैसे थे वैसे भी यह तियांदी हुई की गलती थी इसलिए होंग युवान हे यशाओं को दोष नहीं देगा हे होमजी ने अपने निजी कमरे में काव्या को धन्यवाद दिया अगर काव्या नहीं होती तो वे प्रतियोगिता पहले ही हार गए होते श्री वाह तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है सच कहूं तो मैं यहां सिर्फ पैसे के लिए आई थी काव्या ने कहा फिर भी उन्होंने काव्या को उसके किए के लिए धन्यवाद दिया ओह मिस काव्या आप आगे क्या खेलने की योजना बना रही है हे होमजी ने पूछा स्लॉट मशीन काव्या ने कहा क्या वह होमजी बहुत आश्चर्यचकित था और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था स्लॉट मशीन बहुत बचकानी लग रही थी काव्या के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए हे होंगजी स्पष्ट रूप से काव्या को हल्के में नहीं लेंगे इसके बजाय उसका मानना था कि स्लॉट मशीन खेलकर वह फिर से जीत सकती है ठीक है मैं सिस्बो और स्लॉट मशीन को छोड़कर जुए के अन्य रूपों के बारे में ज्यादा नहीं जानता मुझे विश्वास है कि मैं स्लॉट मशीन खेलकर जीत सकती हूँ लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे क्या खेलना चाहते हैं और क्या मैं जीत सकती हूँ काव्या ने कहा मुझे लगता है कि वे पांच कार्ड स्टड बैकारेट रूलेट आदि में से चुनेंगे हमने 900 मिलियन युवा है जो उनके हारने के लिए पर्याप्त है हे होंगजी ने कहा निम्नलिखित खेल शुरू होने से पहले ही वह लगभग आश्वस्त था कि वे आज विजेता होंगे शुरू से अंत तक हे होंगजी ने काव्या से सिस्बो में विशिष्ट संख्याओं की सटीकता के बारे में नहीं पूछा क्योंकि यह उसका निजी मामला था हे होंगयुआन अभी भी अपने निजी कमरे में गुस्से में था और फैन जहां पूरे समय चुप रहा अब उसे असफलता का गहरा एहसास होने लगा था और उसका खुद पर से विश्वास लगभग उठ गया था पिताजी वह महिला बहुत अविश्वसनीय है और वह अब तक 900 मिलियन युवा चुकी है क्या हम इसे वापस जीत सकते हैं उसने यिक्सी ने चिंता से पूछा